हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में सज्जन कुमार को सजा होने के मामले में टिप्पणी करने से इनकार करते हुए मंगलवार को कहा कि इस मामले पर वह अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। गांधी ने सज्जन कुमार से जुड़े सवाल पर संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, मैं इस मुद्दे पर अपना रुख पहले ही साफ कर चुका हूं। यह संवाददाता सम्मेलन देश के किसानों के बारे में है। यह इस बारे में है कि मोदी जी ने देश के किसानों का एक रुपए का कर्ज माफ नहीं किया। गौरतलब है कि दंगा मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद सज्जन ने मंगलवार को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में कुमार को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।